Okay, so let us start with this poem. It's titled Downhill on a Bicycle. Okay, तो इतना तो तय हो गया कि इस poem में जो experience share किया जा रहा है उसमें कोई जो है hill से नीचे उतर रहा है cycle चलाते हुए. अब आप सभी लोगों ने cycle चलाने का तो experience लिया ही होगा और पता ही है कितना मज़ा आता है ना. बिना पैडल चलाए ही आपके cycle की स्पीड कितनी ज़बरदस्त हो जाती है, लगता है जैसे आप हवा में, आई मीन बेसिकली आप उड़ने लगते हैं, इतनी तेज़ आपकी स्पीड हो जाती है. तो हमारे जो पोइट परसोना है वो एक लड़का है, मे बी आप लोग की उम्र का ही होगा, और वो जो है अपना ये थ्रिलिंग एडवेंचर और डिलाइटफुल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा है हमारे साथ. थ्रिलिंग मतलब काफ़ी एक्साइटिंग, मज़ेदार, डिलाइटफुल मतलब भी वही हो गया, मतलब मज़ेदार ही हो गया डिलाइटफुल मतलब. और बॉय जो है वो अपना जब एक्साइटमेंट जब बताता है तो उसी एक्साइटमेंट को यहाँ पर जो है हम इस पोएम के थ्रू देखने वाले हैं. ओके. With lifted feet, hands still, I am poised and down the hill. Dart with heedful mind, the air goes in a wind. Okay, so यहाँ पर जो है राइम जो है वो थोड़ा सा जो है लूज है. Okay, like with lifted feet, hands still, I am poised and down the hill. Dart with heedful mind, the air goes by in a wind. ओके तो मतलब कि इमेजिन करो कि अब जो है जो हमारा पोइट पर्सोना जो है वो साइकिल पर बैठा हुआ है, क्योंकि पैडल मारने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि वो स्लोप पर बिल्कुल नीचे की तरफ जो है, देख रहे हो, हिल पर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो पैडल मारने की ज़रूरत तो है ही नहीं. तो उसने अपना पैर जो है ऊपर उठा रखा है, हाथ बिल्कुल शांत से जो है हैंडल को पकड़ा हुआ है और वो बिल्कुल एक प्रॉपर पोज लेके शांत हो स्थिर होकर जो है वो बैठा हुआ है. पॉइज्ड मतलब प्रॉपरली बैठ जाना किसी जगह पर. ओके, एक पर्टिकुलर जो है पोजीशन में शांत होकर बैठ जाना किसी जगह पर. तो बिल्कुल जो है शांत होकर अपनी सीट पर बैठा हुआ है, पैर हवा में है, हाथ से उसने हैंडल को पकड़ रखा है, एंड डाउन द हिल और पहाड़ी से जो है नीचे की तरफ वो जा रहा है. डार्ट विद अ हीडफुल माइंड मतलब कि दिमाग बिल्कुल अलर्ट है उसका. ओके, और बिल्कुल अब तीर की तेज़ी में बढ़ता जा रहा है. डार्ट मतलब वो हाथ से फेंकने वाला तीर होता है ना, ये बेसिकली वैसे ये तो बार्ड गेम में की कैटेगरी में आता है, छोटे छोटे जो है नुकीले तीर टाइप के होते हैं और उसको हाथ से फेंक फेंक के बोर्ड पर जो है मारना होता है, जो जितना टारगेट पर हिट करता है उसको इतना एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि डार्ट बिल्कुल तेज़ी में हवा को चीरते हुए निकलता है, तो वैसे ही हवा को चीरते हुए वो निकल रहा है, लेकिन दिमाग उसका जो है बिल्कुल अलर्ट है. द एयर गोज बाय इन अ विंड मतलब कि हवा नहीं भी चल रही है लेकिन चूंकि उसकी साइकिल इतनी तेज़ है कि लगता है कि बहुत तेज़ हवा जो है उसके अगेंस्ट निकल रही है. आप लोगों को एयर और विंड का डिफरेंस पता है कि नहीं? आई मीन एयर तो हम सबके आसपास है लेकिन वही एयर जब मूव करती है दैट इज़ वॉट वी कॉल्ड अ विंड. ठीक है, चलती हुई हवा हो गई, चलती हुई जो हवा है दैट इज अ विंड. स्विफ्ट एंड येट मोर स्विफ्ट टिल द हार्ट विद अ माइटी लिफ्ट makes the lungs laugh, the throat cry, oh bird, see, bird, I fly. मतलब तेज, काफ़ी तेज, swift मतलब होता है तेज और उसका comparative form हो गया swifter, मतलब कि और तेज और उससे भी ज़्यादा तेज, जब तक कि उसका हृदय जो है, मेरा कलेजा जो है वो बिल्कुल जो है एकदम से हवा में नहीं उठने लगता है और मेरे lungs जो है, lungs जानते हो ना, फेफड़े जहाँ से हम सांस लेते हैं, लंग्स जो है वो हंसने लगते हैं और गले से जो है आवाज़ निकलती है, द थ्रोट क्राई, ओ पंछी देखो मैं उड़ता हूँ, आई फ्लाई. इज दिस योर जॉय. अब जो है यहाँ पर हमारा पोइट पर्सोना जो है, ये लड़का जो है वो अब पंछियों से बात कर रहा है कि क्या यही तुम्हारा मजा है हवा में उड़ना. ओ बर्ड देन आई दो अ बॉय For a golden moment share your feathery life in air. कि ओ चिड़िया, तब मैं यद्यपि एक लड़का हूँ लेकिन एक सुनहरे मोमेंट के लिए, एकमात्र अच्छे क्षण के लिए जो है मैंने तुम्हारी पंख वाली जिंदगी जो हवा में है उसका अनुभव ले लिया है. सो वेल, दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम एक्चुअली, रिटन बाय हेनरी चार्ल्स बीचिंग, एंड दिस पोएम इज अबाउट an exciting experience of a boy, right? एक लड़के के काफ़ी exciting experience के बारे में है जब वो एक पहाड़ी से जो है cycle लेते हुए बिल्कुल नीचे हवा में एकदम से हवा से बातें करते हुए जो है उतरता है. ओके, हाउ डज द बॉय राइड द बाइसिकल. ओके, रैशली नहीं है, रैशली का मतलब होता है बहुत केयरलेसली जो है एकदम से चलाना, तो वैसा नहीं कर रहा है, स्लोली भी नहीं है, लेकिन हाँ फास्ट तो बिल्कुल है वो.
द बॉय इज डैश द स्पीड. ओके द बॉय इज, द बॉय इज एंजॉइंग द स्पीड. ओके नॉट अफ्रेड ऑफ मतलब वो डर नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ वो डर ही नहीं रहा है, सिर्फ डर नहीं रहा है वो, वो जो है इसको एंजॉय भी कर रहा है, मज़ा भी ले रहा है. द बॉयज विश टू डैश लाइक ए बर्ड इज फुलफिल, ऑफकोर्स फ्लाई राइट, पंछी की तरह उड़ने का जो उसका विश है वो फुलफिल हो गया. हाउ डज द बॉय फील व्हेन ही राइड्स द बाइसिकल डाउन द हिल. ओके द बॉय फील्स व्हाट, द बॉय फील्स लाइक यू नो लाइक फ्लाइंग, द बॉय फील्स लाइक ही इज फ्लाइंग इन द एयर, ही इज यू नो लाइक थ्रिल्ड, डिलाइटेड, एक्साइटेड. ओके बिकॉज फॉर अ मोमेंट ही फील्स दैट ही इज यू नो लाइक ऑलमोस्ट फ्लाइंग इन द एयर. सो दैट इज वॉट यू कैन राइट. वट डू दीज लाइन्स मीन, आई एम पॉइज्ड एंड डाउन द हिल. इट मीन्स दैट ही इज यू नो लाइक सिटिंग इन यू नो लाइक आई मीन ही इज सिटिंग स्टिल, ही इज नॉट मूविंग मच एंड द बाइसिकल इज कमिंग डाउन द हिल. मेक द लंग्स लाफ द थ्रोट क्राई. इट मीन्स यू नो लाइक ही जस्ट सो एक्साइटेड. ओके ही इज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. फॉर ए गोल्डन मोमेंट शेयर योर फेदरी लाइफ इन एयर. तो यहाँ पर वट डज द पोइट डिस्क्राइब एज ए गोल्डन मोमेंट. ऑफकोर्स गोल्डन मोमेंट हो गया वो मोमेंट जहाँ पर कि हमारा जो लड़का जो है वो बिल्कुल हवा से बातें करता हुआ जो हिल से नीचे आ रहा है, तो वो हो गया गोल्डन मोमेंट. वाई डज ही डू सो, वो ऐसा क्यों करते हैं वो. वेल बिकॉज ही इज हैप्पी, ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय. ओके कंप्लीट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड एड वन मोर टू इट ऑन योर ओन. जैसे स्टिल हिल बिल, तो स्टिल हिल बिल वैसे ही माइंड, माइंड के साथ क्या राइम करता है. देखो विंड जो है वो लूजली जो है इसके साथ राइम कर रहा है. माइंड के साथ जो है एक और राइमिंग वर्ड हो जाएगा काइंड. स्विफ्ट के साथ क्या होगा, लिफ्ट हो जाएगा राइट. लिफ्ट के अलावा और कोई वर्ड है, स्विफ्ट, लिफ्ट, थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट आ जाएगा. क्राई, फ्राई, ट्राई, जॉय, बॉय, टॉय, शेयर, फेयर, एयर. ओके तो ये आ जाएगा. सिनोनिम्स भी आपको ढूंढना है यहाँ पर, तो आपको जो है रश का जो है सिनोनिम ढूंढना है पोएम से. तो रश का यहाँ पर हो जाएगा डार्ट, केयरफुल, पॉइज्ड, सॉरी वेल बैलेंस्ड का हो जाएगा पॉइज्ड, केयरफुल का हो जाएगा हीडेड, हीडफुल. ओके हीडफुल मतलब हो गया केयरफुल. फिर वेल बैलेंस्ड, पॉइज्ड, फास्ट, स्विफ्ट. नाउ ये एक जो है और एक्सपीरियंस है कि इमेजिन कि आपने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा है और आप जो है एक पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं, तो फिर आप कैसा फील करिएगा, क्या आपको एंजॉय मज़ा आएगा उसमें, विल यू एंजॉय दैट एक्सपीरियंस, या फिर आप डरा हुआ महसूस करिएगा, ये आपको लिखना है. सो वेल दैट इज़ एंटायरली ऑन यू, ये तो आपको चूज करना है. आप जो है बेसिकली पास्ट टेंस का यूज करते हुए इसको लिखिएगा. जैसा है कि द बॉय इन द पोएम एंजॉयज द राइड ऑन अ बाइसिकल, व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट, राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट इट. तो आपको जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, फुटबॉल खेलने में मज़ा आता है, उसके बारे में कुछ लाइंस आप लिख सकते हैं. एंड या वन मोर करेक्शन टू द पोएम, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है स्विफ्टर एंड येट मोर स्विफ्ट टिल द हार्ट विद अ माइटी लिफ्ट मेक्स द लंग्स लाफ द थ्रोट क्राई. यहाँ पर ये जो माइटी लिफ्ट है ये पॉसिबली ऐसा है कि उसके साइकिल जो है वो हवा में जंप की होगी वहाँ पर, ठीक है. और इसीलिए जो है बॉय जो है वो बोलता है कि देखो मैं उड़ रहा हूँ, सिर्फ अब स्पीड ही नहीं है, शायद बम्प की वजह से, किसी वजह से साइकिल जो है, जैसे नहीं होता काफ़ी तेज जब साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी साइकिल हवा में जंप कर जाती है, तो साइकिल भी हवा में जंप कर गई होगी. इसीलिए वो बोलता है मेक्स द लंग लाफ द थ्रोट क्राई. ओके क्योंकि एक बार जब मान लीजिए कि आपकी साइकिल जब साइकिल काफ़ी तेज़ हो और हवा में उछल जाए तो थोड़ी देर के लिए तो आपकी सांस तो रुक ही जाएगी ना, है ना, और आवाज़ ऑफकोर्स निकलती है उसके बाद एक्साइटमेंट में, क्योंकि थोड़ा सा जो है स्केरी होता है लेकिन फिर भी एक्साइटिंग होता है. ओके सो वेल दैट इज़ द पोएम. यू कैन ट्राई कंप्लीटिंग द आंसर्स ऑन योर ओन एंड इन द नेक्स्ट वी विल रीड अ स्टोरी, रॉबिन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट. ओके वेल देन हैव फन, बाय बाय.